सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक व्याकरण निपुण के पहले मॉड्यूल प्रत्यय के साथ। तो आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहले प्रत्यय के अर्थ, उसकी परिभाषा तथा भेद को जानने व समझने की कोशिश करते हैं। प्रति और अय। प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला या लगने वाला। प्रत्यय उपसर्गों की भांति अविकारी शब्दांश हैं जो कि शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। चलते हैं प्रत्यय की परिभाषा पर। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हर्ष में इत जोड़ करके हर्षित, पढ़ने में वाला जोड़ करके पढ़ने वाला, चाल में अप जोड़कर चालक। तो चलते हैं प्रत्यय के भेद पर। प्रत्यय के मुख्य दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब हम चलते हैं एक एक को जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं कृत प्रत्यय पर आपको लेकर के। तो कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। अब चलते हैं कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। चलते हैं अब हम एक एक को जानने और पहचानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये चलते हैं आपको हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय पर। जिन प्रत्ययों से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उन्हें कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। इसका उदाहरण है प्रत्यय मूल शब्द और उससे बने हुए शब्द। पहले प्रत्यय है वाला, मूल शब्द पढ़ना, इससे निर्मित शब्द पढ़ने वाला। एरा प्रत्यय, मूल शब्द लूट, निर्मित शब्द है इसका लुटेरा। दूसरा हमारा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से कर्मवाचक शब्दों की रचना होती है उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। इसका उदाहरण है इसमें प्रत्यय मूल शब्द और निर्मित शब्द। प्रत्यय ना, मूल शब्द ओढ़ और इससे जो निर्मित शब्द है वह है ओढ़ना। प्रत्यय औना, मूल शब्द खेल, इससे बना हुआ या निर्मित शब्द है खिलौना। तीसरा हमारा है करणवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से क्रिया के साधन या करण का बोध होता है उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण है इसका प्रत्यय मूल शब्द और निर्मित शब्द। प्रत्यय ऊ, मूल शब्द झाड़, निर्मित शब्द है इसका झाड़ू। ई, मूल शब्द रेत, इससे निर्मित शब्द रेती। दूसरा इसका है भार, भार में ई प्रत्यय जोड़ने पर बन जाता है भारी। आ प्रत्यय है मूल शब्द घेर, इससे निर्मित शब्द है घेरा। चलते हैं चौथे पर, भाववाचक कृत प्रत्यय। जब प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है तो वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण है इसका प्रत्यय मूल शब्द और निर्मित शब्द। प्रत्यय आई, मूल शब्द लिख, इसका निर्मित शब्द हो गया लिखाई। प्रत्यय आप, मूल शब्द मिल और निर्मित शब्द इसका है मिलाप। प्रत्यय आवट, मूल शब्द लिख और निर्मित शब्द लिखावट। उसी तरह से आवट प्रत्यय और सज शब्द में जोड़ने पर सजावट। पांचवा हमारा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से क्रियापूरक शब्दों की रचना होती है वे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते का उदाहरण
प्रत्यय मूल शब्द निर्मित शब्द, प्रत्यय आ मूल शब्द सूख, इससे निर्मित शब्द है सूखा। आ कर मूल शब्द पढ़ या लिख, निर्मित शब्द पढ़ में कर जोड़ने पर पढ़कर, लिख में कर जोड़ने पर लिखकर। ता प्रत्यय है मूल शब्द बह, निर्मित शब्द बहता। जा मूल शब्द इसमें ता प्रत्यय जोड़ने पर जाता। स्मरणीय बिंदु, कर्तृवाचक प्रत्ययों से संज्ञा और विशेषण बनते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि कर्तृवाचक प्रत्ययों से संज्ञा और विशेषण बनते हैं। कर्मवाचक करणवाचक भाववाचक प्रत्ययों से केवल संज्ञाएं बनती हैं। क्रियावाचक कृत प्रत्यय से विशेषण और अव्यय बनते हैं। तो आइए हम चलते हैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों पर कि आज हम लोगों ने कितना सीखा। तो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है प्रश्न नंबर एक, इसके चार विकल्प दिए गए हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे क्या कहलाते हैं। इसका पहला विकल्प का प्रत्यय, ख उपसर्ग, ग संज्ञा, घ सर्वनाम। तो बच्चों आप सही उत्तर का अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही उत्तर होगा का प्रत्यय। प्रश्न नंबर दो, प्रत्यय के कितने भेद हैं। इसके चार विकल्प दिए गए हैं, क तीन, ख चार, ग दो, घ पांच। बच्चों आप लोग सही उत्तर का अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही उत्तर होगा ग दो। प्रश्न नंबर तीन, जिन प्रत्ययों से कर्मवाचक शब्दों की रचना होती है उन्हें क्या कहा उन्हें कहा जाता है। इसके चार विकल्प, का कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, ख भाववाचक कृत प्रत्यय, ग क्रियावाचक कृत प्रत्यय और घ कर्मवाचक कृत प्रत्यय। बच्चों आप लोग इसका सही अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही विकल्प होगा घ कर्मवाचक कृत प्रत्यय। चलते हैं प्रश्न नंबर चार पर, क्रियापूरक शब्दों की रचना करने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। इसके चार विकल्प हैं, का कर्मवाचक कृत प्रत्यय, ख भाववाचक कृत प्रत्यय, ग क्रियावाचक कृत प्रत्यय और घ करणवाचक कृत प्रत्यय। तो बच्चों आप लोगों को इसका सही अंदाजा लग गया होगा। इसका सही विकल्प होगा ग क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो आइए चलते हैं कुछ प्रश्न अभ्यास पर। अभ्यास के प्रश्नों पर पहला प्रश्न, प्रत्यय का अर्थ स्पष्ट करते हुए उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। दूसरा है, निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से दो दो शब्द बनाइए, आवा इया आपा। तीसरा प्रश्न हमारा है गा वाला, निम्नलिखित मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। शब्द है लेख, लेख में आपको प्रत्यय जोड़ना है और जोड़कर नया शब्द बनाना है। हर्ष, हर्ष में प्रत्यय जोड़कर आपको नया शब्द बनाना है। इज्जत में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाना है। रुक में प्रत्यय जोड़ते हुए नया शब्द बनाना है और चढ़ में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाना है। बच्चों इस मॉड्यूल में बस इतना ही। धन्यवाद।